बहुत विनती रहेंगी, हमारे को एक महीने का टाइम दिलाओ खाली, नहीं तो ये पूरे गरीब लोग फांसी डाल के मर जाना पड़ता। सब जनी को लाखों रुपए लगा लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ तो भी हमारी मदद करो। हमारे को अवैध हिसाब से एक उम्मीद है कि उन्हीं कर सकते बोल के खाली, और कोई भी नहीं आता था साहब। सब जनी को देख लिए हम लोग, कोई नहीं आता, सिर्फ अवैध हिसाब कर सकते हैं हमारी मदद। से रिक्वेस्ट है कि मोनो ही हमारी मदद कर सकते। तुम बोलते देखो मैं बहुत कर्जे में हूँ, मेरे हस्बैंड को कैंसर था और हमारे ये कर्जा ले लेके लगाए हम लोग, इसके लिए जगह खुली देखिए यहाँ पे बना के, अब कोशिश करें हम कर्जा फेर देंगे बोल के। हमारे को एक महीने का टाइम होना साहब खाली, और कुछ भी नहीं, बगर बोले यहाँ से चले जाते हम। आज शाम में डेरे तोड़ने का और शाम तक का टाइम दिए, कल सुबह बुलडोजर लगा के तोड़ डालते कहते, पूरे गणेशा होने तो सब तोड़ डालते कहते, पूरे पर्दे खींच के लेके निकाल के फेंक दिए, पूरे डेरों के पर्दे खींच दिए, गणेशा में सांचे तोड़ डाले गए थे वो पूरा। ये बनवे गणेशा कौन जी बना रहे मेरे, पूरा कलर करवा रेडी माल है, रेडी माल है, पूरा रेडी माल है। एक महीने में जाएंगे कहां, एक महीने पड़ा जाएंगे कहां, हमारे को शाम तक हटा दो, जाएंगे जाना कहां लेके। आज 7 तारीख के दिन दुलपेट के निवासी मूर्तियां, गणेश के मूर्तियां बनाने वाले ये लोग, जो 3-4 महीने से मूर्तियों के लिए तैयारी कर रहे थे, ये जगह न रहने की वजह से एक खुली जमीन पर लेरा डाल के क्या बोलते ये गणेश मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। बहुत गरीब लोग है ये। आज उन लोगों की तकलीफ सुनाते हुए MP असदुद्दीन अवैसी साहब को रिक्वेस्ट करे कि उन लोगों के डेरे तोड़े जा रहे हैं, और उन लोगों का यही रिक्वेस्ट था MP असदुद्दीन अवैसी जी के से कि एक महीने का समय दे, जिससे ये जितनी भी 2-3 महीने की मेहनत है उन लोगों की, कई परिवार 100 परिवार इस पे निर्भर है ये मूर्तियों पर, गणेश के मूर्तियों पर। इन लोगों से एक ही विज्ञप्ति थी कि असदुद्दीन अवैसी साहब से एक महीने तक वक्त दिया जाए गवर्नमेंट, उसके बाद वो लोग खाली करता हूं बोल के बता रहे थे। वीडियो हमारे MIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी MP हैदराबाद देखकर मेरे को इमीडिएटली उनके निर्देशों पर मैं यहाँ पर आके इन लोगों की समस्या सुन चुका हूँ। इमीडिएटली ये इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी को हमारे MIM प्रेसिडेंट को दी जाएगी, और इनके लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ प्रबंध करने का कोशिश किया जाएगा MIM पार्टी की तरफ से। हमेशा MIM पार्टी लोगों के बीच में रही है, अभी भी इनके साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत जितना